हाल ही में वाराणसी की जिला अदालत के द्वारा ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा करने की हिंदू पक्ष को अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद हिंदू पक्ष खुश नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल कि आखिर ज्ञानवापी परिसर में स्थित ये व्यास जी तहखाना है क्या और इसमें कब से पूजा करना बंद हुई थी और ये अदालत की लड़ाई कब से चलती आ रही है, तो आज हम आपको इस पूरी कहानी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में, मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में बुधवार को बड़ा फैसला आया। वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। अब व्यास परिवार तहखाने में पूजा पाठ करेगा। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी तहखाने में पूजा की मांग को लेकर वर्षों से अदालती लड़ाई चल रही है। ताजा फैसले में बताया गया कि वादी हिंदू पक्ष ने बताया कि मंदिर में भवन के दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। दिसंबर 1993 के बाद पुजारी व्यास जी को इस प्रांगण के बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इस कारण तहखाने में होने वाले राग भोग भी संस्कार बंद हो गए। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी व्यास जी ब्रिटिश शासन काल में भी वहां कब्जे में थे। व्यास जी ने दिसंबर 1993 तक वहां भवन में पूजा अर्चना की है, बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उस तहखाने में मौजूद है। हिंदू पक्ष ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तहखाने के भीतर पूजा दिसंबर 1993 से रोक दी। हिंदू पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया कि वे रिसीवर को नियुक्त करें जो तहखाने में पुजारी द्वारा पूजा किए जाना नियंत्रित करे और उसका प्रबंध करे। न्यायालय में 17 जनवरी 2024 को पारित एक आदेश में रिसीवर की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन तहखाने में पूजा अर्चना के संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया। हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में कहा था कि तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है, जिसके बाद बुधवार को जिला जज की कोर्ट ने अपने एक आदेश में व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा किए संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। अदालत ने इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाया, तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी गई। बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश जिला अधिकारी को भी दे दिया है। वादी अधिवक्ताओं ने कहा कि व्यास जी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है। अधिवक्ताओं के अनुरोध पर कोर्ट ने नंदी के सामने की बैरिकेटिंग को खोलने की अनुमति भी दे दी है। ऐसे में अब तहखाने में 1993 के पहले के जैसे पूजा होती थी, वैसे ही अब आने वाले समय में पूजा हुआ करेगी, जैसा कि हमने वीडियोस में देख भी लिया है। तो ये था वो फैसला जो वाराणसी जिला अदालत के द्वारा ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने के लिए दिया गया है। खैर, आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।